तेजस्वी भारती। इंडियन गेम शो को प्रमोट करने के लिए आज हम आए हैं रणवीर सिंह के शो में, बिग पिक्चर में बिग लोग आए हैं आज। कभी रहे नहीं हो गए लोग। अरे नाम से तो बिग है ना, छोटा करना यार। नाम से बिग है, हर्ष लिम्बाचिया, कितना बड़ा नाम। क्यों भारती? बहुत ज्यादा, आवाज से पता चला ना रानी। और इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट है, मतलब जब किसी शो में फ्री में जाओ तो ज्यादा एक्साइटमेंट होती है, जब अपना शो प्रमोट करने जाओ। और आप सब तो थे ही जब हमारा इंडियन गेम शो वहाँ पे चल रहा था शो, और क्या आप रानी तो बहुत आई थी वहाँ राजा के साथ। आज इतने बड़े शो में, और पहले तो थैंक्स करना चाहेंगे कलर्स का कि उन्होंने किसी यूट्यूब चैनल वालों को अलाउ किया है अपने शो पे आके अपना गेम शो प्रमोट करने के लिए। सो इसके लिए हम बहुत लकी हैं। और कल और बड़ी बात होगी क्योंकि कल हम बिग बॉस में भी जा रहे हैं सलमान भाई के साथ। सलमान सर से मिलेंगे बहुत टाइम बाद, और बहुत एक्साइटमेंट हो रही है क्योंकि सलमान सर के साथ बहुत कम शूट करने मिलता है। पहले तो हम लोग बहुत जाते थे, आजकल बिग बॉस में बहुत कम जाते हैं, लेकिन फाइनली मिलेंगे और उनके साथ बहुत मस्ती करने वाले हैं। और सलमान भाई बोलेंगे कि भारती टीवी को सब्सक्राइब करो, तो कितना मजा आएगा। बहुत मजा आएगा। आज भी हम लोग गेम्स खेलने वाले हैं रणवीर भाई के साथ, तो बहुत मजा आया बिकॉज उनकी एनर्जी जो है वो कमाल है। समझ आ रही है कि वो गेम तोड़ ना दें क्योंकि जिस हिसाब से उनकी एनर्जी होती है, हमें अपने प्रॉप बचाने हैं। लेकिन बड़े हम बहुत आज खुश हैं कि आज रणवीर सिंह के साथ और कल सलमान भाई के साथ मस्ती करने वाले हैं। और ये मेरे शो के लिए, ये मेरे चैनल के लिए, मेरे गेम शो के लिए, इंडियन गेम शो के लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि 101 सेलिब्रिटी आए थे वहाँ पर, और अब जो सेलिब्रिटियों के बाप हैं हम उनके पास हैं आज और कल भी। सो वेरी एक्साइटेड। किस तरह का आप गेम प्ले करने वाले हैं? वाओ, पहले बता दें। तो टीवी पे बहुत फनी है, बहुत वियर्ड गेम है। हमने ऐसा गेम कभी किसी के साथ किया नहीं है, नया गेम है, तो देखते हैं कि वो गेम कैसा रणवीर भाई भी करते हैं, लेकिन मजा आएगा, डेफिनेटली मजा आएगा। क्रेजी गेम है, इतना ही बता पाएंगे। द बिग पिक्चर में कितना जीतने का मतलब आप दोनों का है कि कितना घर लेकर जाएंगे आप दोनों? जी आपको लगता है हमारे दिमाग से जीतेंगे, छीन के लेके जाएंगे। जनरल नॉलेज सबसे ज्यादा किसका? इसका भाई, मेरा अच्छा भी नहीं, इनका बिल्कुल जनरल नॉलेज बहुत खराब है, कुछ नहीं मेरा। तो लोग मीडिया वाले पूछते रहे भारती जी कल बजट पास हुआ है क्या कहेंगी, तो मैं बोलती है कब हुआ, मैं वो वाली हूँ। लेकिन इनको बहुत नॉलेज है। मैं मतलब दोनों घर में अगर इंटेलिजेंट हो तो फिर कलेश पड़ता है, इसीलिए एक थोड़ा ऐसे में हो। और हमारा ना मेन फोकस हमारे गेम पे, क्योंकि हम हमारा शो प्रमोट करने आए हैं, तो हमारा ऐसा है कि बस हमारा शो प्रमोट हो जाए बस, और क्या टेंशन है। रणवीर सिंह बोलिए बस कि इंडियन गेम शो देखिए, भारती टीवी को सब्सक्राइब करिए। बाकी आप सबने प्रोमो तो देख ही लिया होगा। हमने देखा, बहुत ही अमेजिंग है, बहुत अच्छा लगा। जिन लोगों ने नहीं देखा वो जाके अभी भारती टीवी के यूट्यूब चैनल पे जाइए और प्रोमो देखिए, बिकॉज बहुत अमेजिंग है। जिस हिसाब से जब आप हमारा इंटरव्यू लेते थे और पीछे से चिल्लाते थे नोरा आ गई, नोरा आपको कह रही भाई साहब, उस हिसाब से आपने ये भी कहना है कि मेरी बहन भारती का यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब करो, कहोगे ना? और नोरा मैडम जहाँ भी मिले उनको भी बोलना है। रणवीर सिंह की कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो सबसे ज्यादा आप लोगों को? सबसे अच्छी क्वालिटी तो यार इज ए वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, और वो बताने की जरूरत नहीं होती। वो उनके चाल ढाल, उनके रिएक्शन, एक्शन, उनकी आंखों से पता लगता है कि वो कितने अच्छे हैं। और मेरे को तो सबसे अच्छी क्वालिटी वही लगती है बिकॉज वो उनका मन बड़ा साफ है, फनी है, क्यूट है, खेलते हैं, मस्ती करते हैं, और बहुत लाइव है, मतलब है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और मैं अभी जब ये शो का फर्स्ट एपिसोड आना था तो वो कहीं कतर वतर में थे, वहाँ से लाइव गए थे, तो मैं देखा कि 40-50 हज़ार लाइव है उनके साथ, तो मैंने ऐसे ही बोल दिया हेलो ऑल द बेस्ट, और वो 40-50 हज़ार लोगों में से है भारती कैसी, मैंने बोला है मतलब ये बंदे ने देख लिया, अरे मैं भी कलर्स में आ गया हूँ अभी ये वो। तो मुझे इतनी खुशी हुई ना कि कितना डाउन टू अर्थ बंदा है, क्योंकि मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ उनकी, और हर्ष को पता है ये बात, क्योंकि मैंने इसीलिए पतले लड़के से शादी की, क्योंकि मैं मेन इनमें रणवीर सिंह देखती हूँ। और तुम? मैं इस बात को खत्म करना चाहूँगा क्योंकि मैं क्या बोलूँ, अभी शुरू करना चाहूँगी इस बात को। क्योंकि मुझे रणवीर सिंह बहुत अच्छे लगते हैं। जब उनकी पहली फिल्म, आई थिंक मुझे तो यही लगता है, बैंड बाजा बराती थी, मैं तब से उनकी फैन थी। मैं बोलती ये लड़का कौन है यार हर्ष, मतलब एफर्टलेस कॉमेडी करता है, एफर्टलेस एक्टिंग करता है, मतलब बहुत, मेरे को सच में हर्ष को भी पता है मुझे बहुत पसंद है, चाहे वो बाजीराव हो, चाहे वो खिलजी बने, मेरे लिए तो वो मेरे सुपरस्टार और हीरो हैं। आज बहुत मज़ा आने वाला है, मतलब आज इतना, मतलब हर्ष तो जाना। सो कल बिग बॉस के सेट पे भी जाने वाले हैं, सलमान खान के साथ आप दोनों दिखने वाले हैं। कितना बिग बॉस को फॉलो कर रहे हैं, क्या कुछ बताना चाहेंगे? एक्साइटमेंट बिग बॉस को तो बहुत फॉलो करते हैं, रोज मतलब हम रात को देखते हैं बिग बॉस और वीकेंड पे भी देखते हैं, लेकिन बिग बॉस में जाकर हम हमारे कुछ दोस्तों से बात जरूर करने वाले हैं। बिल्कुल हम बात करेंगे, गेम्स खिलवाएंगे, गिराएंगे उनको। और मैंने OTT वाला जो बिग बॉस था वो ज़्यादा फॉलो किया था, ये भी मैंने किया था। मुझे पहले जो बहुत सारे लोग आए थे मुझे समझ नहीं आ रहा था, तब जंगल भी था, पत्ते पेड़ पौधे इतने लोग, तो समझ ही नहीं आ रहा था। बट अभी थोड़े लोग कम हुए हैं तो थोड़ा समझ आ रहा, बट अच्छा लग रहा। मेरा फेवरेट मतलब उसमें अगर देखा जाए तो मुझे अफसाना बड़ी अच्छी लगती थी। जब से अफसाना गई है यार थोड़ा ऐसा लग रहा है कि मसाला कम हो गया है, मैंने क्या किया तू, तो वो बड़ा मजा आता था कि एक तो कोई है चिल्लाने वाला। लेकिन अभी निशांत बहुत अच्छा कर रहा है, जय भानुशाली बहुत अच्छा कर रहे हैं और करण कुंद्रा बहुत अच्छा कर रहे हैं, तेजस्वी भी अच्छा कर रही है। लेकिन मतलब तेजू मुझे लगता था बड़ी भूली सी है, ये है तेज रन किस तरह से हैशटैग चल रहा है तेजस्वी और करण का। अच्छा तेज रन, हाँ अच्छा वो है तेज रन, मैं उसको कह रही हूँ कि तेज रन मतलब भाग यहाँ से। जब तक वो बाहर आके कुछ नहीं कहते तब तक हम कुछ नहीं कह सकते, वैसे नहीं होगा। नहीं मैंने देखा था दोनों की केमिस्ट्री तो बहुत अच्छी, दोस्ती बहुत अच्छी है, हमको तो बहुत दूसरे को लाइक भी करते हैं शायद। वो बताओ रानी करते हैं, ऐसा तो दिख रहा है इनके पसीनों से लग रहा है। लेकिन अच्छी बात है कि प्यार हो जाना चाहिए और हो जाना चाहिए, अभी हम क्या करें। सलमान खान सर के साथ किस तरह के गेम प्ले करने वाले हैं आप दोनों? सलमान सर के साथ मस्ती करेंगे हम, उनके साथ गेम कोई नहीं खेल सकता लेकिन हम अंदर जरूर गेम खेलने वाले हैं। हम तोड़ेंगे हमारे बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स, उनके साथ हम बहुत फनी गेम खेलने वाले हैं। तो और सलमान सर के साथ तो बस मस्ती करेंगे, कॉमेडी करेंगे, बातें करेंगे। और बार मैंने तो बुलवा लेना, सब्सक्राइब करो भारती टीवी, इंडियन गेम शो, वो काट के अपने पास रख लेना। पूरा बिजनेस प्लान सलमान खान को छोड़ लेंगे, बुलवाएंगे बार बार, देखो भारती का इंडियन गेम शो, ऐसे करके। ये सलमान थे और ये मैं थी, ऐसे पकड़ेंगे। ठीक है, बड़ा मजा आता है जब पति के सामने किसी और लड़कों की बार बात करो। चलो ये क्या कर सकेंगे, मुझे कुछ नहीं कहते, बड़ा प्यार करते हैं मुझे। लास्टली अपने व्यूअर्स और अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? फैंस से बस यही मैसेज देना चाहेंगे फैंस को कि प्लीज़ 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 भारतीय टीम को सब्सक्राइब करिए और इंडियन गेम शो को बहुत सारे व्यूज़ दीजिए, बहुत देखिए उसको, बार बार देखिए, बिकॉज बिल्कुल जैसे ही हमने कब किया था हमने लॉन्च, हाँ लॉन्च हमने किया है परसों ना, हाँ जी 15। जैसे हमने प्रोमो लॉन्च किया इतना हम देख रहे थे, एक फटाफट सब्सक्राइबर इतने बढ़ रहे थे, इतनी खुशी हो रही थी कि यार लोगों को पसंद आ रहा है। और इतने अच्छे व्यूज़ आए कि माइंड ब्लोइंग, मतलब जो खतरा किया था उससे बहुत बड़ा लग रहा है, ह्यूज सेट लग रहा है। लेकिन सच में यार बड़ी खुशी हुई, ऐसा लग रहा है कि मेहनत कामयाब हो गई। सो गाइज़ भारती टीवी पे जो आ रहा है इंडियन गेम शो ज़रूर देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छे कमेंट दीजिएगा। हाँ लेकिन अगर आपको चाहते हो कि आपको थोड़ा ठीक लगा या कुछ और अच्छा होना चाहिए तो प्लीज़ वो भी अपने कमेंट्स में बताइए, क्योंकि अगर अच्छे सुनने की आदत डालो तो बुरे सुनने की भी आदत होनी चाहिए, ताकि हम जो चीज़ें अच्छी नहीं हुई वो ठीक कर पाए। थैंक यू रानी।